तो भारी वजह से देखो पूरे परिवार में सब लोग ऐसा कोई नहीं होगा जो कि ना रो रहा होगा। ऐसा तुम क्या काम की हो ना, देख लो आज तुम कभी खुश नहीं रहोगी। भगवान करे तुम ऐसी जगह रहोगी ना, तुमको कभी भगवान खुश नहीं रखेगा। और तुम अपने साथ साथ अपने बेटे का जिंदगी खराब कर रही हो। देख लो आग फाड़ कर जो जिसके बेटे को हर वक्त खिलाते थे, और यहाँ पर आज वो रो रहे हैं। बातें तुम बहुत गलत की हो हमारे बाबू के साथ, तुम उसको ले गई हो। और अर्जुन तुमको बोल रही हूँ, तुम कुछ शर्म करो। तुम्हारी बीबी अभी भी तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर कर तुमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, फिर भी तुम नहीं आ रहे हो। कुछ शर्म कर लो। जिस जिस अब माँ ने तुमको इतना बड़ा पाल पोस कर किया, आज उसी माँ को उस भीड़ में क्या उसके ऊपर बीत रहा होगा। तो दोस्तों बाबू का बहुत ज़्यादा आदर है, युवराज बाबू का। हम लोग किसी को नहीं मानते पर युवराज को अपना मान देते। मैं उसको बहुत खिलाता था जब बहुत छोटा था, तब से मैं उसको जानता हूँ, खिलाता हूँ। और आज उसको लेके चली गई, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है दोस्तों, कसम से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। क्या कमी था विष्णु भाई के अंदर? क्यों मालती तुम ऐसा की हो बताओ मुझे। जिस तरह तुम की हो मालती ना, भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। और अर्जुन तुमको तो खुद शर्माना चाहिए कि एक भाई बहन का रिश्ता को अकलंक लगाकर ऊपर से अपनी ही बहन के साथ राखी बनवा कर उसके साथ भागे। कुछ शर्म करो, तुम्हारा तो जिंदगी खराब ही होगा, तुम्हारे बेटी बेटे का ऊपर से भी खराब होगा। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था मालती, मैं तुमको बोल रहा हूँ। तुम हमारे बाबू को लेके चली गई, विष्णु भाई कैसा हो गए? कुमार सूची वहां सच के तो बोल रही थी कि तुम रह लोगे ना। अरे जब तुमको जाना है तो काहे पूछ रही हो, तुम जाओ ना। पर बाबू को देख ही गई होती।